प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। ठंड नहीं लग रही? अच्छा आप ठीक है। तीर्थों के प्रति आस्था आज भी शेष है। बहुत कष्ट से कर आप तीर्थों में आते हैं, विशेषकर माघ महीने में
बहुत शांति होती है, फिर भी प्राणों को अचली पर लेकर आस्था पूर्वक सनातनी तीर्थों में पदार्थ है। गर्मी के दिनों में उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, भीषण गर्मी होती है, लेकिन लू की चिंता किए बिना श्रद्धालु भक्त वहाँ भी पहुँच जाते हैं। यह जो आस्था है, यही हमारी संस्कृति को जीवित रखने में समर्थ है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, अनुपालन करने योग्य है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, जगत का निग्रह अनुग्रह जिस सिद्धांत के आधार पर होता है वही सनातन सिद्धांत है। शीतोपनिषद में पंचकृत्यों का वर्णन किया गया है, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। निग्रह का अंतर्भाव संहार में कर देते हैं, अनुग्रह का अंतर्भाव स्थिति में कर देते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार तीन कृत्य सिद्ध होते हैं। विस्तार पूर्वक विचार करने पर उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह ये पंच कृत्य हैं। शिव पुराण में उदाहरण दिया गया है उत्पत्ति नामक कृत्य का। साक्षात्कार पृथ्वी के अनुशीलन से होता है, पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति सन्निहित है, जल में पालनी शक्ति है, जल जीवन है, अग्नि में संहार की शक्ति है, वायु में निग्रह की शक्ति है, आकाश में अनुग्रह की शक्ति है। भगवान पंच शक्तियों से समन्वित हैं, पंच कृत्यों के निर्वाहक उद्वाहक हैं। अभी हमने शिव पुराण का उदाहरण दिया, उत्पादनी शक्ति पृथ्वी में परिलक्षित है, पालनी शक्ति जल में है, संहार की शक्ति अग्नि में है, निग्रह की शक्ति वायु में है, अनुग्रह की शक्ति आकाश में है। ये पंच कृत्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह। इन पंच कृत्यों के निर्वाहक परमेश्वर सिद्ध होते हैं। एक ही परमात्मा कृत्य भेद से स्वयं को लीला पूर्वक पांच रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश होकर, शक्ति और गणपति होकर पांच कृत्यों का निर्वाह करते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया, हथेली एक है, उंगलियां पांच। मैं रायपुर में किसी सनातनी भक्त के यहाँ रुका था, आधुनिक विधा से उन्होंने कछुए पाल रखा था। लगभग आध घंटे खड़े होकर मैंने कछुए से शिक्षा ली, देखा कि हथेली से उंगलियां जड़ी होती हैं, इसे उंगलियों में विभाजक रेखा परिलक्षित होने पर भी सचमुच में उंगलियां इस प्रकार नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से एक ही परमात्मा लीला पूर्वक स्वयं को पंचकृत्य का निर्वाह करने की भावना से महासर के प्रारंभ में स्वयं को पंच रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा संपादित होती है, ब्रह्मा जी का नाम ही हिरण्यगर्भ भी होता है। स्थिति नामक कृत्य भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त है, समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह भगवान शिव करते हैं, निग्रह और अनुग्रह के लिए शक्ति और गणपति दो देवता हैं। इस प्रकार हम पंच देवोपासक सिद्ध होते हैं। पांचों देवताओं का मौलिक स्वरूप एक ही है, निर्गुण निराकार पर जितने नाम हैं पंच देवताओं के
सब एक ही जैसे हैं। सगुण निराकार परक नामों में भी कोई भेद नहीं है। सगुण साकार नामों में नाम रूप लीला धाम को लेकर भेद की प्राप्ति है। भेद व्यावहारिक धरातल पर है। तत्वतः पांचों देवों का मौलिक स्वरूप एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। एक ही परमात्मा लीला पूर्वक स्वयं को पंच रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। बहुदेववाद नहीं, एक देववाद ही सिद्ध है। एकम रूपम बहुधा यह करोति। एक सिद्धांत यह भी है, हमारे आपके जीवन में चरितार्थ है। अद्भुत के भेद से अध्यात्म में भेद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म के भेद से अधिदैव में भेद की प्राप्ति होती है। अधिदैव के भेद से जीव में वस्तुता भेद की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध अद्भुत हैं, विषय हैं। इनके ग्रहण के लिए और त्याग के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियाँ हमारे पास हैं। तो अद्भुत के भेद से अध्यात्म में भेद की सिद्धि हो गई। अध्यात्म के भेद से एक एक करण के अनुग्राहक देवता में भी भेद की सिद्धि हो गई। लेकिन जीव तो एक ही है ना। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। हमने कहा विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद प्राप्त होने पर भी जीव में भेद प्राप्त नहीं है हमारे आपके जीवन में। और समष्टि की दृष्टि से अगर विचार करें, औपाधिक धरातल पर जीवों में भेद प्राप्त होने पर भी जगदीश्वर में भेद नहीं है। जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही अचिंत माया शक्ति के योग से उल्लसित विलसित हैं। यह सनातन सिद्धांत है। प्रायः समृद्धि को भी व्यक्ति कोसते हैं। जैसे किसी के माता पिता पितामह प्रपितामह 108 कमरे से युक्त भवन बना जाए, पोता ऐसा हो पुत्र ऐसा हो कि कोसे। 3 कमरे 4 कमरे पर्याप्त थे, 108 कमरों की क्या आवश्यकता थी। झाड़ू पोछा लगाना भी हमारे लिए झंझट है वैसे ही। क्या एक ही कोई ग्रंथ पर्याप्त था, इतने ग्रंथ इतनी रुइया को दुनिया उत्तर प्रदेश में कहावत है। एक ही कोई ग्रंथ पर्याप्त था। लेकिन विचार करें, जिनके यहाँ कोई एक ही ग्रंथ होता है कदाचित वो पद्य में हो तो पंथ बन ही जाता है। उस ग्रंथ में क्या लिखा है इस पर लोगों का ध्यान कम जाता, केवल पाठ तक सीमित रहता है। समृद्धि को भी हम कोसते हैं। यह हमारी हीनता दरिद्रता का द्योतक है। हमने संकेत किया शिव पुराण आदि के अनुसार विचार करें, शुक्र नीति आदि के अनुसार विचार करें, या केवल की स्मृति में विद्या के 14 प्रभेदों का वर्णन है। विद्या के 14 प्रभेद हैं। शिव पुराण में विद्या के 18 प्रभेद हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात हमने कही, 14 प्रभेद, फिर शिव पुराण में 18 प्रभेद, शीतोपनिषद में 24-25 प्रभेद हैं, शुक्र नीति में 32 प्रभेद हैं विद्या के। सन्निवेश हो जाता है, संख्या कम हो जाती है। सन्निवेश न करने पर संख्या अधिक हो जाती है। तो विद्या के 32 प्रभेदों का वर्णन शुक्र नीति में है। चौखंबा काशी से हिंदी अनुवाद से शुक्र नीति प्रकाशित है। और कला के 64 प्रभेदों का वर्णन है। 32 विद्या 64 कला। विश्व में जितनी भी विद्या हो सकती हैं सबका सन्निवेश 32 में।
विश्व में जितनी भी कलाएं हो सकती हैं सबका सन्निवेश कला में हो जाता है। आजकल विद्या और कला के स्थान पर साइंस और आर्ट दो शब्दों का प्रयोग होता है। शुक्र नीति में विद्या और कला की विभाजक रेखा चित्रित की गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी के द्वारा जिसकी सिद्धि हो उसका नाम विद्या है, मूक व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सकता है उसका नाम कला है, गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सकता है उसका नाम कला है, वाक् के द्वारा वाणी के द्वारा जिसका संपादन होता है उसका नाम विद्या है। शुक्र नीति में कला और विद्या का यह विभेद बड़े लक्षित है। 32 विद्या 64 कला हमारे यहाँ हैं। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, स्कूल की शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि 32 विद्या 64 कला का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त था। उस समय के विद्वान कितने दिव्य रहे होंगे, लीला पूर्वक हमारे भगवान श्री कृष्ण भी बलराम भी सारदीपन जी के विद्यालय में उज्जैनी में विद्या अध्ययन करने गए। गुरु जी ने 32 विद्या 64 कला की शिक्षा उन्हें दी। हर व्यक्ति के जीवन में विद्या और कला का सन्निवेश हो तो व्यावहारिक धरातल पर भी व्यक्ति का जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपकारी सिद्ध हो सकता है, हितकर सिद्ध हो सकता है। जिसके जीवन में जितनी विद्या होगी कला होगी वो अपने लिए उतना उपयोगी होगा, अन्यों के लिए भी उतना उपयोगी होगा। विद्या और कला से मंडित जीवन चाहिए। एक मुस्कान की बात है, हमारे परमाचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग का एक वाक्य है, ऐसा लावो नर पीर बवर्ची भिष्टिखर। पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाभाग, उनके गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वनाम धान्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं थे तब हमारे पूज्य गुरुदेव ने उनसे दीक्षा ली थी। भारत धर्म महामंडल के मान्य संतों ने विद्वानों ने हमारे पूज्य गुरुदेव को कहा कि ज्योतिष पीठ की परंपरा लुप्त प्राय है, हम चाहते हैं कि आप शंकराचार्य पद को सुशोभित करें। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपका भाव अच्छा है, मेरा अनुरोध है कि मुझे नहीं मेरे पूज्य गुरुदेव को यह पद मिलना चाहिए। तो श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाव कहा करते थे, ऐसा लावो नर पीर व्यवर्ची भिष्टिखर। पीर समझते हैं ऐसा व्यक्ति जो अवसर आने पर पीर का भी काम कर सके, बवर्ची का भी काम कर सके, भिष्टी का काम कर सके, खर भार ढोलने का भी काम कर सके, मैंने चारों क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके। ऐसा वो कहते थे ब्राह्मण में सद्गुण, ऐसा लावो नर पीर बवर्ची भिष्टी खर। इसका अर्थ क्या है, शिक्षा की आवश्यकता हुई तो शिक्षक हो गए, रक्षा की आवश्यकता हो गई तो परशुराम जी बन के संभाल लिया हाँ परसे को, और क्या द्रोणाचार्य हो गए, पीर बवर्ची भिष्टी खर भोजन भी बना लिया और धोती पहने हैं, बाजार में गए तो 10 किलो सामग्री भी धोती के काम से बांध के ले आए, पैजामा पैंट पहन के बाजार में गए 2 किलो आलू भी ला सकते हैं, क्या पैंट को फाड़ोगे पैजामा को फाड़ोगे। क्या दमयंती साड़ी पहने हुई थी ना, परिस्थिति बस नल को वही अंग की रक्षा के लिए क्या करना पड़ा, जब दमयंती मूर्छित होकर बेसुध होकर सुषुप्ति की दशा में थी तलवार से साड़ी के एक अंश को काट करके अपनी लज्जा की रक्षा की और भग गए परिस्थिति बस। अगर सलवार पहने होती तो क्या करते फिर। इसलिए हमने संकेत किया कि दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर वेशभूषा का भी त्याग नहीं करना चाहिए, शील की रक्षा हो और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे।
इसके लिए देवियों के वेशभूषा का निर्धारण किया गया, शील की रक्षा हो और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे, दोनों दृष्टियों से वेशभूषा का निर्धारण हमारे यहाँ किया गया है। तो हमने एक संकेत किया, सनातन सिद्धांत के अनुसार भोजन विज्ञान वस्त्र विज्ञान एक वाक्य हमने 63 साल पहले 10वीं कक्षा में बनाया था, वो आज भी याद है। समाज शास्त्र का मंथन करके एक वाक्य की हमने रचना की थी 63 साल पहले, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय के जो प्रकल्प हैं, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय के जो प्रकल्प हैं सनातन, वे आज भी उपयोगी हैं। हमारा भोजन विज्ञान वस्त्र विज्ञान जो भी हमने नाम लिया, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी सर्वोत्कृष्ट है, एकमात्र उत्कृष्ट है। हमने एक संकेत किया, जब हम 30 साल पहले बंगाल की यात्रा करते थे, कल्पना कीजिए कार से यात्रा करते थे कोलकाता की, तो 99% पुरुष धोती में दिखाई पड़ते थे, अब 7% पुरुष वहाँ भी पेंट में दिखाई पड़ते हैं। रास हुआ या विकास जी, हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं लेकिन वेशभूषा के प्रति संस्कृति के प्रति परतंत्र भारत में जितनी आस्था शेष थी उतनी आस्था भी अब शेष नहीं है। अब तो 100% व्यक्ति पेंट पैजामा में ही सड़कों पर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत विडम्बना है। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन संस्कृति के प्रति अनास्था बढ़ती चली गई। एक ओर स्वतंत्रता अच्छा है, परतंत्रता अभिशाप है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वेशभूषा के प्रति अत्यंत अनास्था उत्पन्न कर दी गई। तो हमने एक संकेत किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पगड़ी बांधते थे धोती पहनते थे, और वे पहले रूस में भारत के राजदूत बनाए गए, कालांतर में भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को भी उन्होंने समलंकृत किया। मुझे कहने में कुछ संकोच है लेकिन घटना सच्ची है, उन दिनों रूस का नाम बहुत, जब हम विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में थे तब क्रुश्चेव का नाम बहुत आता था, कनेडी का नाम बहुत आता था, ये लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। रूस में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी लाडली प्यारी बहन विजयलक्ष्मी जी को राजदूत बना के भेजा, रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें बहुत प्रसन्नता हुई पंडित घराने की एक महिला भारत के प्रधानमंत्री की लाडली प्यारी बहन हमारे देश में राजदूत बन के आ रही है, लेकिन हम उसको सह नहीं सकते क्योंकि वो अंग्रेजी कटवाल रखे हुए। सच्ची घटना है, भारत का सर नीचा हो गया, विजयलक्ष्मी जी को रूस से बुला लिया गया, रूस नहीं सह सका कि अंग्रेजी कटवाल वाली महिला भारत की हमारे यहाँ राजदूत हो। साफा बांधने वाले धोती पहनने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को फिर वहाँ पर राजदूत बना के भेजा गया। आज भी कोई कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला जो चीन है वहाँ भारतीय व्यक्ति पहुँचे तो उससे पूछा जाएगा कि आप गीता जानते हैं या नहीं, गीता के बारे में कुछ आपको जानकारी प्राप्त है या नहीं। इसका अर्थ रूस हो अमेरिका हो ब्रिटेन हो जर्मनी हो जापान हो फ्रांस हो, आधुनिकता के रंग में कितना भी रंगा हुआ हो, भारतीयों से वह क्या आशा रखता है, भारतीय व्यक्ति लुढ़क न जाएं, वे अपनी संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हों। हमें कोरोना की लहर में लगभग 9 महीने लगातार पुरी में निवास किया और यांत्रिक विधा से
विश्व स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया। लगभग 52 देश के 204 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमने 204 प्रतिनिधियों का वक्तव्य भी सुना। मॉरिशस आदि के मान्य विद्वानों ने भी अपना भाव व्यक्त किया। तो एक निष्कर्ष यह निकला कि मॉरिशस आदि के जो व्यक्ति हैं उन्होंने निराशा व्यक्त की। कदाचित भारत हिंदू राष्ट्र होता, तो एक वर्ष की अवधि में ही मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश हिंदू राष्ट्र स्वयं को स्थापित कर देते। भारत को लेकर इन देशों में पर्याप्त निराशा है। भारत यदि हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित होता तो कम से कम पूरे विश्व में मॉरिशस आदि 15 देश एक वर्ष की सीमा में हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित हो जाते। हम एक संकेत करना चाहते हैं हिंदू शब्द पर। हिंदू और हिंदू दोनों शास्त्र सम्मत शब्द हैं। हिंदू सीमा का द्योतक है, भौगोलिक नाम है। ही माने हिमालय, हिंदू माने हिंदू सरोवर। हिमालय से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो हिंदू, हिंदुस्तान हिंदू। और हिंदू जब कहते हैं तब हीनता का जो दूषक हो उसको कहते हैं हिंदू। जो हीनता को, दीनता को, दरिद्रता को पसंद न करे उसका नाम है हिंदू। इंदु और सिंधु का अपभ्रंश भी मान लें और सीधे संस्कृत का शब्द भी मान लें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, ऋग्वेद, इनमें हिंदू शब्द हैं। हमारा एक ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं, उसमें प्राचीन ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ हुआ है स्थल निर्देश सहित उनको अंकित किया गया है। प्रकारांतर से ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द है। कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम आदि ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो लोग कहते हैं कि विदेशियों के दिन देन है, ये ठीक नहीं। प्राचीन ग्रंथों में हिंदू शब्द है। हिंद महासागर, हिंदूकूट, आज भी चित्रकूट की शैली में हिंदूकूट, हिंद महासागर, ये नाम प्राचीन हैं। इसलिए हमने संकेत किया यदि भारत अपने स्वरूप को संभाल ले तो विश्व के 15 देश एक वर्ष की अवधि में हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित हो सकते हैं। रहीम रसकान भी तो मुसलमान थे, लेकिन हमारे लिए वे भी आदर्श हैं। रहीम रसकान की जीवनी भी हम पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो रचना की गई, कविताओं की रचना की गई उनके द्वारा, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो हमने एक संकेत किया, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में, तृतीय स्कंध में ब्रह्मा जी का परिचय है। सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ब्रह्मा जी का नाम ही हिरण्यगर्भ है। कल मैंने कहा ब्रह्मा शब्द ब्रह्म और ब्राह्मण शब्द ब्रह्म को भी ब्रह्म कहते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्म वेद भी होता है। ब्रह्म, वेद और ब्राह्मण तीनों को तो वही ब्रह्मा सिद्ध है। ब्रह्मा का अर्थ होता है पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्राह्मण तीनों का सम्मिलित संवेद स्वरूप ब्रह्मा। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। श्री बृहदारण्यक उपनिषद में एक तथ्य आया है, ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से मन वर्षक रूपा प्रकट हुए। मन और शत्रुपा, स्वयंभू मन और शत्रुपा, लीला पूर्वक शत्रुपा ने क्या किया, 84 लक्ष योनियों में जितनी स्त्री
भावापत्ति है, सब रूपों में स्वयं को प्रकट किया। और पुरुष रूप में मनु ने स्वयं को व्यक्त किया। मनुष्य रूपा के कायव्यूह ही हैं 84 लक्ष योनियों में स्त्रीवाचक जो जो अभिव्यक्ति है वो शत्रुपा की ही अभिव्यक्ति है। पुरुषवाचक जो भी अभिव्यक्ति है वो मनु की अभिव्यक्ति है। इसलिए मनु और शत्रुपा में सबका पर्यवसान हो जाता है। मनु और शत्रुपा जी की अभिव्यक्ति भी ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति भी श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा रहती है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष महाप्रलय की दशा। सृष्टि की दशा भी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की है। हमारी संस्कृति इस कल्प में 1,97,29,49,122 वर्षों की है। फिर से सुनिए, इस कल्प में हमारी संस्कृति 1,97,29,49,122 वर्षों की है। कोई फूंक मार करके इसे उड़ा दे संभव है क्या? जब कोई कहते हैं पुरानी बातें हैं, बहुत बढ़िया, कालिदास जी ने भी कह दिया लेकिन आगे कुछ जोड़ दिया, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुराना है इसलिए ग्रहण करने योग्य है, साधु है ये न माने। लेकिन अगर पुराना हो, व्यवस्थित हो तो मानने योग्य है। पुरानी चीज़ों से परहेज करेंगे तो एक क्षण भी जीवित रहेंगे क्या? पृथ्वी पुरानी है या नहीं? जल पुराना है या नहीं? अग्नि तत्व पुराना है या नहीं? वायु पुराना है या नहीं? आकाश पुराना है या नहीं? जीव पुराना है या नहीं? सबसे पुराने तो भगवान ही हैं। पुराने से परहेज करके एक क्षण भी रह सकते हैं क्या जीवित? पुराण पुरुष, पुराण पुरुष, पुराण का अर्थ क्या होता है जी? पुराना होता हुआ भी नया। पुराण को पुराण क्यों कहते हैं? पुराणों की व्युत्पत्ति क्या है? पुराण माने पुराण, पुरा प्राचीन होने पर भी जो नया हो, जिसकी उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए चरितार्थ, उसी का नाम पुराण है। पृथ्वी की उपयोगिता, जल की उपयोगिता, अग्नि की उपयोगिता, वायु की उपयोगिता, आकाश की उपयोगिता, जीव की उपयोगिता, जगदीश्वर की उपयोगिता है या नहीं? पुराने होने पर भी पुराण माने जो निरवयव वस्तु होती है वो पुरानी होने पर भी नई रहती है क्या? तो निरवयव वस्तु होती है वो पुरानी होने पर भी नई ही परिलक्षित होती है। तो हमने एक संकेत किया पूरे विश्व को, कल मैंने एक संकेत किया था। आजकल लोग कहते हैं विकास युग है। लगभग 28 साल पहले मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, एक आधुनिक ढंग के व्यक्ति खड़े हो गए, शंकराचार्य जी आप क्या 16वीं शताब्दी में भारत को घसीटना चाहते हैं? हमने कहा बैठ कर जरा सुन लीजिए, आप 5,000 वर्ष पहले अगर आप चले गए तो विकास होगा या ह्रास? आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति कहेंगे राम राम मर जाएंगे। लेकिन थोड़ा विचार करें, प्रज्ञा माने बुद्धि ज्ञान, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष ही तो आजकल विकास परिगणित है या नहीं? क्या विकास का अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष ही आजकल विकास परिगणित है। कृतियुग की अपेक्षा त्रेता में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है, द्वापर की अपेक्षा कलिकाल में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है,
कलि के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है। अपकर्ष का नाम ही तो आजकल विकास है। कल मैंने कहा मनु जी ने 1163 मनुस्मृति में एक संकेत किया, महायंत्र प्रवर्तनम उपपातक, अराजकता को फैलाने वाला उपपातक परिगणित है मनुस्मृति में। महायंत्रों का प्रवर्तन भी उपपातक है जी। अराजकता को फैलाने में महायंत्रों का उपयोग है। एक यंत्र को महायंत्र का रूप कब दिया जाता है? वैकल्पिक कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रज्ञा और प्राण का आधान जब हम एक यंत्र में कर देते हैं, उसी यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न यंत्र का नाम महायंत्र होता है। हमने महायंत्र की यही परिभाषा की है। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान जब हम किसी यंत्र में कर देते हैं, तब उसी का नाम महायंत्र हो जाता है। महायंत्र प्रवर्तनम, मनु जी ने लिखा महायंत्रों का प्रवर्तन उपपातक है, अर्थात अराजकता को फैलाने वाला है। कल मैंने कहा अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर हमारे ऋषि मुनि महायंत्रों का आविष्कार करने में समर्थ नहीं थे तो उसका प्रतिषेध कैसे करते? समर्थ थे, लेकिन ज्यों ज्यों महायंत्रों का आविष्कार होता जाता है त्यों त्यों हमारी मनुष्यों की हमारी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष भी होता जाता है। इसलिए संकेत किया गया यंत्रों के ऊपर निर्भर रहने पर सबसे बड़ा दोष क्या है। कल मैंने यही प्रवचन को विराम दिया था। मनुस्मृति में एक वचन है, उसका मूल नारद परिव्राजकोपनिषद में है। ज्यों के त्यों नारद परिव्राजकोपनिषद का एक वचन मनुस्मृति में समुद्रित है, ऋति क्षमा। धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण है धृति, धैर्य। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों धैर्य का विलोप होता है या नहीं? मैं धीरे से बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना? हम हों या आप, सिराने के पास क्या चाहिए? पानी। पाँव के पास स्नानागार चाहिए या नहीं? कमरे के बाहर निकले तो कार, नहीं तो सब बेकार। कमरे के बाहर निकले तो कार, नहीं तो सब बेकार। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन महायंत्रों ने क्या किया? धरती पर पानी फेरा या नहीं? भोग योनि बना देना मनुष्य शरीर को, मनुष्य जीवन को, या विकास है या रास। अंजन का आँख जय फूटे, ये युवक लोग हैं बहुत अच्छे, सुन रहे ध्यानपूर्वक। अंजन का आँख जय फूटे, एक बार में शंकराचार्य नहीं था, बस से यात्रा कर रहा था, आते आते बरेली पहुंचा। हमारे आगे की सीट पर एक सज्जन सूटेड बूटेड बैठे थे। बरेली में जो ही बस खड़ी हुई, सूरमा आँख में लगाने वाले, सूरमा बेचने वाले आ गए। ले लो बरेली के सूरमा, ले लो बरेली के सूरमा। मुझसे आगे जो सूटेड बूटेड सज्जन बैठे थे, लगभग वो 70 के रहे होंगे, उन्होंने कहा, धीरे से कहा, जोर से कहते तो सूरमा बेचने वाले पिटाई कर देते, मेरी तरह मूर्खता का परिचय मत देना, इन सूरमा बेचने वालों के चपेट में आकर सूरमा लगा लगा कर मैं लगभग अंधा हो चुका हूँ। तुम्हें भी आँख की रोशनी खोनी हो, अंधा हो ना हो, तो इनकी बात में विश्वास करना, ये सूरमा नहीं आँख को फोड़ने वाली सामग्री है।
धीरे से बोल रहे थे, जोर से बोलते तो उनकी पिटाई हो जाती। तो क्या अर्थ हुआ? अंजन का आँख जय फूटे, विकास की सीमा होनी चाहिए ना। सीमा क्या होनी चाहिए उस पर विचार कीजिए। मानव जीवन की जो अपूर्वता है उस पर पानी फेरने वाला विकास ना हो। या शरीर ज्ञानायतन है, कर्मायतन है, भोगायतन है ना। मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता भी शरीर में है, तो भोग योनि के रूप में हम मनुष्य योनि को परिणत कर दें, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य धृति का ही विलोप हो जाए, तो अंजन कहा आँख जाए फूटे की कहावत चरितार्थ हुई या नहीं? अब यही हो गया। पंचदशी नामक एक वेदांत का ग्रंथ है, उसमें एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया गया कि धैर्य की पराकाष्ठा हो तो व्यक्ति कैवल्य मोक्ष चाहे। अति दुर्लभ कैवल्य परमपद कैवल्य, कल मैंने कहा सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना। हम न तुम दफ्तर गुम, अहमिति का भी विलोप हो जाए, अज्ञान का भी विलोप हो जाए, केवल सच्चिदानंद मात्र होकर निरुपाधिक परमात्म तत्व होकर प्रत्यगात्म तत्व होकर शेष रहना कैवल्य मोक्ष है। कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति भी नहीं होगी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति नहीं होगी, यहीं तक नहीं, आनंद स्वरूप होकर शेष रहेंगे, आनंद के भी भोक्ता होकर शेष नहीं रहेंगे। ऐसा जो कैवल्य मोक्ष है उसके प्रति आस्था बहुत दुर्लभ है। सामान्य व्यक्ति को उसका स्वरूप बता दें तो बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, फिर मैं रह ही क्या जाऊँगा, मिश्री चखने को ना मिले मिश्री बन जाऊँ, ऐसा ही है। तो हमने संकेत किया धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता हो, अति दुर्लभ कैवल्य परमपद। कल इसकी व्याख्या की गई, उससे किंचित न्यून धैर्य हो हमारे जीवन में तो सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हो, उससे भी कम धैर्य हो तो स्वर्ग की भावना से भावित जीवन हो, उससे भी कम धैर्य हो तो जीवन काल में संयम पूर्वक रहें, और धैर्य का सर्वथा विलोप हो जाए तो क्या है, संयम नामक चीज ही न रहे, भले अंत में जीवन कराते हुए व्यतीत हो। हमने संकेत किया विकास के पक्षधर व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि मानव जीवन की अपूर्वता पर पानी फेरने वाला विकास ना हो जाए, वो विनाश हो जाएगा। धर्म और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने योग्य बल और वेग का अपकर्ष ना हो जाए, मानव जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत न कर दिया जाए, उसी सीमा में विकास को परिभाषित करना चाहिए। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। कल मैंने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक को समुद्रित किया था, बुद्धिन्द्रियमन प्राणान जनानाम सुजात प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर के प्रारंभ में अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश से मंडित सृष्टि की संरचना की, क्यों? पहले कह दिया मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, अर्थ धर्म काम मोक्ष संयम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। कल मैंने प्रवचन को विराम दिया था, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत की संरचना की जा रही है। विकास के नाम पर जो ईमानदार राजनेता हैं वो भी बेईमान, तो 10 पीढ़ी के लिए घर भरते हैं। बेईमान कोई मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, 10 पीढ़ी के लिए घर भरेगा, उसे राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं।
लेकिन ईमानदार भी हो तो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा का ज्ञान न होने पर वो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया मनुष्य जीवन की अपूर्वता पर, सृष्टि संरचना के प्रयोजन पर पानी न फिरे, इस तथ्य को ध्यान में रख करके विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। धर्म और ईश्वर या ब्रह्म जिसको कहते हैं, इन्हीं का आलंबन लेकर जीवन सार्थक हो सकता है। वेदों का तात्पर्य पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के माध्यम से चरितार्थ है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। जिसके जीवन में धर्म निष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्म निष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन जीवन ही सिद्ध होता नहीं। धर्म निष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्म निष्ठा नहीं तो जीवन सार्थक कैसे होगा? विकास को परिभाषित करने के लिए फिर क्या करें? रेल की पटरी का त्याग करके रेल दौड़े तो दुर्घटना होगी या नहीं? तो हमने क्या संकेत किया? विकास को परिभाषित क्या करें? मानव जीवन की अपूर्वता पर पानी फेरने वाला विकास न हो, मानव जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत करने वाला, मानव जीवन को इन सबको तो सुनना कुछ है ही नहीं, राम जी के नाम पर उपद्रव करना, शासन तंत्र क्या है, कम से कम मर्यादा तो होनी चाहिए ना। हमने सबका ध्यान रखा कि 6 बजे तक इन सबका माइक बंद हो जाता, फिर हम प्रवचन शुरू करते हैं। तो हम भी तो श्री राम की व्याख्या कर रहे हैं, किसी को सुनना नहीं, अपने सुनने से हम कोई गाली थोड़े बक रहे, सुने तो कल्याण ही होगा ना। और सुनो, 50 जन्म लेने पर जो ज्ञान विज्ञान अपने आप नहीं मिल सकता है, वो यहाँ से हम दे रहे हैं, समझ रहे? इतना तो समझ लेना चाहिए। 50 जन्म लेने पर, मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी, हाथ पांव चलाने पर भी जो ज्ञान विज्ञान नहीं मिल सकता, समस्त वैदिक वाङ्मय का गुरुओं के पास से अनुशीलन करने के बाद हम लोग बोलते हैं, हमारे एक प्रवचन, 1 घंटे के प्रवचन में हजारों ग्रंथों का सारांश होता है, उसको सुनने की अपेक्षा श्री राम के नाम पर विघ्न डालना कहाँ तक उचित है भाई? हम इतना धैर्य धारण करते हैं कि 6 बजे तक सबके माइक बंद हो जाएं तब हम बोलें, रात में सोने में विलम्ब हो जाता, उपद्रव करना बस सत्संग के नाम पर, अपनी खिचड़ी पकाना क्या आवश्यकता है? सभी स्वतंत्र हैं, ज्ञान विज्ञान से भी पढ़े जाए ना। फिर से सुनिए, 1 घंटा में जो हम लोग बोल देते हैं, आप अपने आप चलें तो बहुत से तो पागले हो जाएंगे, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते बहुत से विक्षिप्त हो जाएंगे, अपने आप सारांश थोड़े निकालेंगे। मधुमक्खी जो है फूलों के रस को मधु का रूप दे देती है, आप दे पाएंगे? हम दे पाएंगे क्या? मधुमक्खी में क्या है, फूलों के रस को मधु का रूप देने की क्षमता है या नहीं? इत्र बनाने वाले इतने फूल को एक बूंद के रूप में परिणत कर देते या नहीं? अपने आप पढ़ने चलें, लाखों ग्रंथों का अध्ययन करें, एक तो पागले हो जाएंगे, एक समय नहीं मिलेगा, दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। उन सब चीज़ों को हम लोग बुरा न माने, प्रशंसा न समझें। ब्रह्मलोक में भी जो ज्ञान विज्ञान दुर्लभ है, अंतिम समय में ब्रह्मलोक की अवधि बीतने को होती है, तब ब्रह्मा जिस ज्ञान का उपदेश देते हैं ब्रह्मलोक के प्राणियों को, वो ज्ञान हम लोग दे रहे हैं, इसका महत्व समझना चाहिए। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि धाराएं टूट गई श्री राम जय राम जय राम जय राम के नाम पर। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि विकास को परिभाषित कीजिए, लेकिन विकास के नाम पर मानव जीवन की अपूर्वता पर पानी न फिरे, समझ गए? विकास के नाम पर मानव जीवन की अपूर्वता पर पानी न फिरे,
मानव जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत करने का प्रयास मत कीजिए। रासलीला वाले वहाँ होंगे, रासलीला करेंगे ना, ब्रजवासी होंगे कोई ना कोई। तो हमने संकेत किया, क्या समय हो गया? 8 बज गया, 7:30 हुआ। तो अब तक हमने यह कहा कि मानव जीवन की अपूर्वता पर पानी न फिरे, इस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए और धृति का विलोप न हो। धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। आजकल विकास के व्यामोह में आकर क्या हो गया, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य ही नहीं रह गया। इसीलिए पूर्व मीमांसा में कहा गया अथातो धर्म जिज्ञासा, उत्तर मीमांसा में कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, तो प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जीवन जीवन ही सिद्ध होता नहीं। एक संकेत में कर रहा हूँ, छांदोग उपनिषद के 8वें अध्याय के शंकर भाष्य के अनुसार ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जितने भौतिकवादी हैं इनमें ज्ञान और कर्म को विकसित करने की क्षमता नहीं होती। जितने भौतिकवादी हैं ये ज्ञान और कर्म को भौतिक विधा से उन्नत नहीं कर सकते। देहात्मवादी होते हैं भौतिकवादी, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले होते हैं भौतिकवादी। ये अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंद्रिय तादात्म्यपन्न होते हैं भौतिकवादी, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है और कालातीत परमात्मा में भी होती है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जितने भौतिकवादी होते हैं उनमें ज्ञान और कर्म को विकसित करने की क्षमता ही नहीं होती। इसलिए अगर ज्ञान और कर्म को विकसित करना है तो वेदादि शास्त्र सम्मत प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन करने की आवश्यकता है। अंत में, जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, यह प्रामाणिक अनुभूति हो सके यहाँ तक जीवन को उन्नत करने की आवश्यकता है। यस्त्वात्मरतिरेवस्य आध्यात्मचित्तस्य मानवः आत्मन्येत्य संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः व्यपाशयः, कृतकृत्यस्य जायते तस्य कार्यं न विद्यते, यद् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, ज्ञातव्यम् नावशिष्यते, कर्तव्यम् नावशिष्यते, प्राप्तव्यम् नावशिष्यते। जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया, इस स्थिति पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सके। नहीं तो जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। गीता के वचन पर ध्यान दीजिए, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, भगवान श्री कृष्ण का वचन है 2 अध्याय में, जातस्य ध्रुव मृत्यु हो। यह तो भौतिकवादी भी मानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। लेकिन आगे भगवान ने क्या कह दिया, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये तो भौतिकवादियों का सिद्धांत नहीं होगा। यहाँ पर कुछ जोड़ना पड़ता है अर्थ लगाने के लिए, भगवान के अभिप्राय को समझकर। अकृतार्थ होकर जो मर चुका, अकृतार्थ दशा में जिसने देह त्याग किया,
उसका जन्म सुनिश्चित है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद है। मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए कल हमने बताया, शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में एक प्रश्न उठाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है। यस्य पुनर्न जन्म, पुनर्भव पर विजय से प्राप्त करने के लिए जो जन्म लेता है, जन्म लेने की योग्यता को जला डालने की भावना से जो जन्म लेता है उसी का जन्म लेना सार्थक है। मरना किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु, न होगा बांस न बनेगा बनेगी बांसुरी, न बनेगी बांसुरी न बजेगी बांसुरी, पुनर्भव ही नहीं होगा तो पुनर्मृत्यु कैसे होगी। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद करने के लिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन आवश्यक है। तो आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? भौतिक विधा से हम ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिकवादी देहात्मवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित होती है। इसलिए ये जितने ईमानदार राजनेता हैं, ईमानदारी पूर्वक विकास को परिभाषित करते हैं तो केवल वर्तमान तक इनकी दृष्टि जाती है। भौतिकवादियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक होती है, क्योंकि भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों में तादात्म्यपन होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। इसलिए तैतृय उपनिषद के अनुसार मनोमय कोश में वेदादि शास्त्रों को सन्निहित माना गया है। वेदादि शास्त्र के बारे में कहा गया, भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदा प्रसिद्ध्यति मनुस्मृति, और मांडुक्य उपनिषद यच्चत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। तीनों कालों में और कालातीत परमात्मा में वेदों की गति है, हमारे मन की भी गति है। इसलिए हमने संकेत किया, इस रॉकेट कंप्यूटर एकदम मोबाइल युग में भी वेदों का आलम्बन क्यों लेना चाहिए। काल गर्भित ही नहीं, कालातीत परमात्मा में भी मन की गति हो सके इसके लिए वेदादि शास्त्रों का आलम्बन आवश्यक है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी होती है। वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में मन में ही सन्निहित है। तैतृय उपनिषद के अनुसार अतः अपने ज्ञान और कर्म को उन्नत करने के लिए, पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए, यही मृत्यु जड़ता दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए वेदादि शास्त्रों का आलम्बन लेना चाहिए। आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? बृहदारण्यकोपनिषद असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभो, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ असत है, मृत्युग्रस्त है, उसे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, उसे छुड़ाकर चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, उसे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। प्रत्येक जीव की चाह का विषय सचित आनंद होकर शेष रहना ही है। प्रत्येक अंश स्वभाव का अपने अंशी की ओर समापिष्ट होता है, या गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। वृक्ष से पत्ते इत्यादि गिर पड़े हैं, वो पार्थिव हैं, पार्थिव पत्ते इत्यादि पृथ्वी की ओर ही समापिष्ट होते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु है वो पृथ्वी की ओर समापिष्ट होती है। जल की धारा उद्गम स्थान महोदधि अंशी की ओर समापिष्ट होती है। अग्नि की शिखा नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर समापिष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर समापिष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का यह सिद्धांत है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समापिष्ट होता है।
जीव के आकर्षण का विषय सच्चिदानंद स्वरूप अंशी सदृश जगदीश्वर ही हो सकते हैं। गीता पेश से हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पाति जी महाभाग का ग्रंथ प्रकाशित है, भक्ति सुधा। हमारे गुरु भाई थे श्री राधेश्याम खेमका जी, पद्म भूषण से उनको सरकार शासन तंत्र ने उद्भाषित किया, बहुत अच्छा है। मैंने उनको कहा था कि पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ गीता पेश से प्रकाशित हो, मेरा अनुरोध स्वीकार करके जब वो संपादक थे तब भक्ति सुधा नामक ग्रंथ प्रकाशित, उसमें एक लेख है पूज्य गुरुदेव का, नास्तिक भी आस्तिक, नास्तिक भी आस्तिक, जिनको हम अनीश्वरवादी कहते हैं या जो अपने आप को कहते हैं ईश्वर को मैं नहीं मानता, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वो भी आस्तिक ही सिद्ध होते हैं। विश्व में कोई सचमुच में अनीश्वरवादी है ही नहीं। कह सकते हैं कमलिंग की धारा में बहने वाले डंके की चोट से कहते हैं ईश्वर कौन होता है, इसका उत्तर क्या है? अरे वंदे, ईश्वर वही होता है जो तुम्हारी चाह का सचमुच में विषय है। ईश्वर कौन होता है? ईश्वर वही होता है जो तुम्हारी चाह का सचमुच में विषय है। तुम चाहते क्या हो? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता अज्ञता न समझी की दाल न गले, ऐसा आनंद जहाँ दुख की पहुँच न हो। सचित आनंद तुम्हारा मौलिक स्वरूप है, प्रत्येक अंश की का आकर्षण अंशी के प्रति ही होता है। हर जीव की चाह का विषय सच्चिदानंद ही है। तुम्हारी चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब कौन ईश्वर का खंडन करेगा? मैं उदाहरण देता हूँ, सावधान। प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है या नहीं? क्यों जी? अगर विश्व में पानी का अस्तित्व ही ना हो तो हम पंजाबी टोन में बोलें तो पंजाबियों के बीच में ही पड़े, दिल्ली में पंजाबी ही हमारे 99% सहपाठी थे, तो हमने क्या कहा? कोई भी बंदा ऐसा है, हर बंदे हर व्यक्ति की चाह का विषय क्या है? परमात्मा सच्चिदानंद। इसका अर्थ क्या है? हमारी चाह का जो सचमुच विषय है वही अंशी है, वही ईश्वर है। और एक विचित्र बात है, हमने अभी उदाहरण दिया, हमारा क्या है? हमें प्यास लगती है तो प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध, करता है या नहीं? प्यास डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करती है। अगर पानी का अस्तित्व ही ना होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। भूख का लगना भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। हमारी चाह का विषय है सत्चित आनंद। मृत्यु जड़ता दुख सतिक्रांत जीवन, सत होकर चित होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहूं। हमारी चाह का अगर विषय कोई होता ही नहीं, उसकी चाह हमको क्यों होती? बंध्या पुत्र की चाह थोड़े होती है। इसका मतलब अनीश्वरवादी की चाह का भी जो सचमुच विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। अब ईश्वर का खंडन कौन करेगा? अरे वंदे, तुझे प्रेम ला नाल विचार करो, तुम्हारी इच्छा का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। नास्तिक भी आस्तिक हुआ या नहीं? हर जीव की चाह का विषय कौन है? हर अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जीव की चाह का विषय सच्चित आनंद। मृत्यु जड़ता दुख सतिक्रांत जीवन, सन्मात्र होकर चिन्मात्र होकर आनंद मात्र होकर शेष रहने की भावना डंके की चोर से सच्चिदानंद तत्व को सिद्ध करती है। अब वाच्यार्थ भूमि में हर व्यक्ति, ये तो लक्ष्यार्थ भूमि, वाच्यार्थ भूमि में ऐसा जीवन जो सब पे शासन कर सकूं, ईश्वर का लक्षण हुआ या नहीं? ईश्वर होके रहना चाहते या नहीं? सबका नियामक होके रह सकूं, इसका अर्थ क्या हुआ?
सोपाधिक दृष्टि से विचार करें तो हम सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न होकर रहना चाहते हैं, निरुपाधिक दृष्टि से विचार करें तो सच्चित आनंद होकर रहना चाहते हैं। इसलिए नास्तिक भी आस्तिक, हमारे पूज्य गुरुदेव का एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक अर्थात कोई भी विश्व में अनीश्वरवादी अपने को कह सकता है, किसी को हम कह सकते हैं कि अनीश्वरवादी है, लेकिन सचमुच में कोई अनीश्वरवादी होता हुआ भी ऐसा नहीं जो ईश्वर का अस्तित्व ना मानता हो, क्योंकि उसकी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब ईश्वर का खंडन कौन करेगा? हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जीव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा होकर ही अवशिष्ट रहना चाहता है, वाच्यार्थ भूमि में भी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ होकर शेष रहना चाहता है। तो सर्वज्ञ हो सर्वशक्तिमान हो मृत्यु जड़ता दुख सतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप हो उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर अब एक संकेत करके प्रवचन को विराम देते हैं, पड़ोसियों को धन्यवाद। गिरधर कविराज ने कहा कभी पड़ोसी से विरोध नहीं करना चाहिए, बोल लेना चाहिए। वनिता पत्नी से विरोध नहीं बोलना चाहिए, बेटा से विरोध ना हो दे, राज पुरोहित से विरोध ना ले, रसोईया से विरोध ना ले, चुपके से बिस्मिल्लाह देगा मार देगा। तेरा से विरोध नहीं बोल लेना चाहिए। गिरधर कविराज ने कहा बेटा वनिता पौरिया यज्ञ करावन हार राज यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हो ही तेरा से विरोध नहीं मोल लेना चाहिए, पड़ोसी से भी विरोध नहीं मोल लेना चाहिए। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि हमारी चाह का विषय ही सच्चिदानंद तत्व है। एक छोटा सा प्राणी अमीबा लघुकाय उसको भी कोई छेड़ता है तो मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता गीता से अतिक्रांत जीवन। बच्चे जो होते हैं ना, जो चीज़ आवे उड़ के आवे या चल के आवे, कोई व्यक्ति यह क्या देखिए सर्वज्ञ होने की भावना होती है ना बच्चों में, माता पिता तंग हो जाते हैं जिधर बच्चे की ध्यान जाए, यह क्या यह कौन इसका मतलब क्या है। हर व्यक्ति क्या है अपने मौलिक स्वरूप की ओर समाकृष्ट होता है, सदा रहने की इच्छा, सबको जानने की इच्छा, दुख से अतिक्रांत जीवन। अब प्रश्न उठता है हमारी चाह का विषय अगर सच्चिदानंद है ही नहीं तो। एक हम आजकल बात कहते हैं योग दर्शन के अनुसार शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, योग दर्शन का सूत्र है वंध्यापुत्र केवल शब्द है अर्थ नहीं होता। इतनी बात तो समझ में आ गई, वंध्यापुत्र केवल शब्द है अर्थ नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। धर्म निरपेक्ष शब्द है कोई अर्थ नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष धर्म निरपेक्ष हो तो बता दीजिए, समझ गए इस चीज़ का प्रचार करना था। जैसे वंध्यापुत्र केवल शब्द है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, वैसे ही धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो तो ला के दिखा दीजिए, मुझे प्रसन्नता हो। किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है उसी का नाम धर्म है। अब कोई धर्म निरपेक्ष होगा तो धर्म निरपेक्षता का आडंबर करेगा, धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, कोई वस्तु व्यक्ति ला के दिखाओ ना तो धर्म निरपेक्ष हो। प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा, इस आस्था के बल पर ही प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति होती है। सर्दी लगने पर अग्नि को आग को तापने क्यों चलते हैं? अग्नि को छू क्यों नहीं लेते? दाहक प्रकाशक है। इसका मतलब हर वस्तु की उपयोगिता किस पर निर्भर है? धर्म पर। जब तक कोई वस्तु अपने गुण धर्म से युक्त रहती है तभी तक उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक ही गुण धर्म है। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो जाए संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म निरपेक्षता का राग आलापना
धर्म निरपेक्ष तो होगा नहीं, आप केवल धर्म से के प्रति अनास्था उत्पन्न करके जीवन को दिशाहीन कर देंगे। कोई एक वस्तु ला के दिखा दो, व्यक्ति ला के दिखा दो, अगर आँख अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो हम अंधे हो जाएं या नहीं, कान अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो बहरे हो जाएं या नहीं, नाक अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो क्या होगा, हमने अग्नि अपने गुणधर्म का त्याग कर दे, पृथ्वी अपने गुणधर्म का त्याग कर दे, अंत में क्या सार हुआ। कोई भी वस्तु और व्यक्ति तभी तक अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में समर्थ है, अपनी सत्ता सिद्ध करने में समर्थ है, जब तक निसर्ग सिद्ध गुणधर्म से युक्त हो। धर्म निरपेक्ष न कोई वस्तु होती है न कोई व्यक्ति हो सकता है, इसलिए बंध्या पुत्र के समान धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, अर्थ है ही नहीं। अतः धर्म निरपेक्षता का राग आलापना भव्य भारत को रसातल की ओर पहुँचाने का क्या है, अभियान है। धर्म निरपेक्षता है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, धर्म निरपेक्ष कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। धर्म निरपेक्षता क्या है, केवल बवाल है। इसलिए इस रॉकेट कंप्यूटर एकटा मोबाइल के युग में भी लोग कहते हैं कि इन्हें हमसे कहा था आप सनातन धर्म की महिमा खूब गा रहे हैं, दूसरे पर कटाक्ष न करें, तो हमने कहा कटाक्ष तो नहीं करते लेकिन सनातन सिद्धांत को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने पर कोई और बच जाएगा क्या, उसका नाम धर्माभास होगा। सुनो आप, सूत संहिता स्कंद पुराण का अंश है, वहाँ लिखा धर्माभास, धर्म एक ही है सनातन सिद्धांत, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी धर्माभास हैं। जैसे हेतुआभास, हेतु सलीखा परलक्षित हो टटोलने पर हेतुआभास साध्य की सिद्धि में समर्थ न हो, उसको नैयायिक आदि कहेंगे हेतुआभास, धर्माभास, धर्म एक ही है सनातन सिद्धांत। सनातन धर्म क्यों माने, अरे ईश्वर भी जिस सिद्धांत का अनुपालन करके जगत की उत्पत्ति करते हैं उसका नाम सनातन सिद्धांत है, ईश्वर भी अनुपालन करते हैं जी। यथा पूर्व कल्पयत, आकाश के बाद ही वायु की रचना हो सकती है, वायु के बाद ही अग्नि की रचना हो सकती है, अग्नि के बाद ही जल की रचना हो सकती है, जल के बाद ही पृथ्वी की रचना हो सकती है, पृथ्वी के बाद ही पार्थिव प्रपंच की रचना हो सकती है, पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में ही हो सकता है, पृथ्वी का लय जल में ही हो सकता है, जल का लय अग्नि में ही हो सकता है, अग्नि का लय वायु में ही हो सकता है, वायु का लय आकाश में ही हो सकता है। सन्निकट सविशेषक क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सन्निकट निर्विशेषक क्रम से सृष्टि का संहार होता है। क्या अर्थ हुआ, शून्य एक दो तीन चार पाँच, पाँच चार तीन दो एक शून्य, समझ में आ गया, शून्य, शून्य माने अभाव, शून्य अभाव नहीं है, एक के आगे शून्य रख दें, इकाई स्थानापन शून्य, दाएँ स्थानापन एक, जिस शून्य ने एक को नौ अधिक कर दिया वह अभाव है क्या, लेकिन एक लिखने के बाद शून्य लिख दें तो शून्य अभाव हो गया या भाव, एक लिखने के बाद शून्य लिखें इकाई स्थानापन शून्य दाएँ स्थानापन एक, जिस शून्य ने एक को नौ अधिक कर दिया वो तो भाव है ही, लेकिन एक पहले लिखें इकाई स्थानापन ढाई स्थानापन शून्य लिखें वो शून्य अभाव है क्या, नहीं। निर्विशेष जो वस्तु होती है वो सविशेष के आश्रित रहकर ही अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है, ये नियम है। सत परमात्मा है लेकिन सन घटा सन पटा संत या पाष्टभू सन वायु अपने कार्य के समाश्रित होकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। केवल सत देखने चलें तो दर्शन नहीं होगा। सन घटा सन पटा संत या पाष्टभू सन वायु, कोई भी निर्विशेष पदार्थ अपने कार्य के समाश्रित होकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्य के बिना उसकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए शून्य एक इकाई स्थानापन एक दाएँ स्थानापन शून्य भी भाव ही है,
लेकिन निर्विशेषता की आबादी होने के कारण वह जब तक अपने सविशेष के समासित न हो तब तक अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। यह शाश्वत सिद्धांत है। हमने संकेत किया गणित में भी जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और गणित में अगर त्रुटि हो गई तो विज्ञान में त्रुटि होगी, विज्ञान में त्रुटि हो गई तो पूरा भंडाधार हो जाए। अधिक समय न लेकर न देकर एक मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है बात ठीक है, नौवीं कक्षा DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली क्लॉथ मिल का विद्यार्थी था, वहाँ जो हमारे ड्राइंग ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अध्यापक थे, वेतन तो कम पाते थे लेकिन भारत की रक्षा में उनका बहुत बड़ा हाथ। ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारे यहाँ जो राइफल बनाने का काम चल रहा था, हमारे सैनिक चीन के सीमा पर पाकिस्तान के सीमा पर वार करें शत्रु पर, वो इतने इधर या उधर चली जाए गोली, तब उन्होंने वेतन का ब्राह्मण थे वो केवल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हाई स्कूल के अध्यापक थे, उन्होंने भारत सरकार को सूचना दी ये सब जो आपके इंजीनियर हैं वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कोई नहीं जानते, बंदूक बनाने वाले जो हैं वो कोई भी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के जानकार नहीं हैं, इसलिए देश का पतन हो रहा। उनको सम्मानपूर्वक पूछा गया, उन्होंने कहा कि निशाने क्यों नहीं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को जानते नहीं इसलिए गोली इधर चली जाती उधर चली जाती है। उनको बहुत सम्मानित किया गया। फिर उनसे प्रेरणा लेकर के ये बंदूक आदि बनाने वालों को ज्योमेट्रिकल ड्राइंग अनिवार्य माना गया। तब जाकर दिल्ली में भारत की रक्षा शक्ति मजबूत हुई। इतिहास हम उनसे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पढ़े हैं जिनका सुझाव दे करके सीमा की रक्षा हुई। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि इसरो के कंप्यूटर एकटा मोबाइल के युग में भी सनातन ज्ञान विज्ञान को प्रश्रय देना चाहिए, इनकी उपयोगिता हर क्षेत्र में है। आज का प्रवचन हमने प्रारंभ किया 32 विद्या 64 कला, 32 विद्या 64 कला हमारे ग्रंथों में सन्निहित। एक ग्रंथ की बात लोग कहते हैं, अगर एक ग्रंथ ही हमारे यहाँ हो तो 32 विद्या 64 कला का वर्णन उसके माध्यम से विस्तारपूर्वक कैसे होगा, हम तो पंथाई बन जाएंगे। तो हमने कहा कि 108 कमरे पिता पितामह बना गए, बेटे पोते ऐसे नालायक निकले, कोसने लगे, 4 कमरे पर्याप्त थे, मस्तिष्क उनका खराब था, खुजली हो गई थी, इतने कमरे क्यों बना गए। अरे 32 विद्या 64 कला हमारे यहाँ धर्म को जो परिभाषित किया गया है वो धर्म की सीमा देखिए ना, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र, जिससे अभ्युदय निश्चय दोनों की सिद्धि हो, लौकिक उत्कर्ष हो पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, इतना व्यापक हमारा धर्म है। इसका अर्थ है कि हमारे एक ग्रंथ से काम नहीं चलेगा, एक ग्रंथ केवल ले लो आप गीता तो भी ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विभिन्न पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चय व हेतु मद्भिर निश्चित है, तब भी आपको गीता का अर्थ जानने के लिए अतिरिक्त ग्रंथों का ज्ञान चाहिए ही। इसलिए समृद्धि को दरिद्रता का रूप मत दीजिए। हमारे यहाँ जो विशेषता है, आजकल के लोग कोसते हैं एक ही ग्रंथ नहीं हमारे यहाँ, हम दुर्बल हो रहे, एक ग्रंथ वाले तो सब पंथाई बन गए एक ग्रंथ वाले सब पंथाई बन गए, हम पंथाई हैं क्या। इसलिए 32 विद्या 64 कला का ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता था गुरुकुल में, शिक्षा पद्धति भी विकृत हो गई विलुप्त हो गई। भव्य भारत की संरचना के लिए व्यूरचना चाहिए, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प हमारे सुदृढ़ हों। श्री राम जय जय। हाँ, गुप्तचर विभाग सावधान, मैंने नेपाल की 2 दिनों की यात्रा की तो वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने बता दिया है, लेकिन वो संकोच पूर्वक गृहमंत्री प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री विदेश मंत्री तक हमारा संदेश पहुँचावे न पहुँचावे। मैं एक संकेत करता हूँ,
भारत की विदेश नीति बहुत दुर्बल सिद्ध हुई। आज जो नेपाल है वो चीन का कठपुत यंत्र है, चीन की कठपुतली। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल को भी संभाल नहीं सके। नेपाल का हर व्यक्ति आज कहता है संस्कृति के दृष्टि से भारत हमारे से निकट है, लेकिन हम चीन के पक्षधर हैं, भारत के विरोधी। ये क्या विदेश नीति हो गई भारत की जी। आज नेपाल डंके की चोट से कहता, वहाँ का बच्चा बच्चा कहता है हम चीन के पक्षधर हैं, चीन हमारा पक्षधर है। भले ही सांस्कृतिक दृष्टि से हम भारत के नज़दीक हों, तो भारत की गृह नीति, रक्षा नीति कितनी दुर्बल, विदेश नीति कितनी दुर्बल। अपने पड़ोसी नेपाल को भी साध के भारत नहीं रख सका। मोदी जी ध्यान दीजिए, पाकिस्तान तो अपने विरोध में है ही। बांग्लादेश के मुख्य प्रधानमंत्री अनुकूल मानी जाती हैं, लेकिन वहाँ जो घटना घट रही है उससे तो भारत की विदेश नीति बांग्लादेश में भी कारगर नहीं है, बर्मा श्रीलंका में भी कारगर नहीं है। भारत का दायित्व है कि अपनी गृह नीति को, विदेश नीति को, रक्षा नीति को इतनी मजबूत करे, कम से कम पड़ोसी राष्ट्रों को संभाल के रखे ना, अपने अनुकूल बना के रखे ना। उधर ध्यान नहीं है, कभी किसी का रुख हो जाता है रूस की ओर, तो कभी हो जाता है अमेरिका की ओर, अपनी ओर दृष्टि नहीं होती। हम कभी रूस की ओर देखते हैं तो कभी हम अमेरिका की ओर देखते हैं, हम अपनी ओर नहीं निहारते। अगर अपनी ओर भी निहारें और सर्वेक्षण भी करें, बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो हमारे गुण दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, हम में नहीं रहते, ऐसा भी होता है। तो दायित्व होता है कि जो हमारे पूर्वजों के गुण हमारे पास नहीं हैं, दूसरी जगह पहुंच गए वहाँ से ले लो, गुणग्राही होना चाहिए। लेकिन भारत अभी नेपाल को भी साध नहीं सका। बांग्लादेश में भी अंदर की स्थिति बहुत ख़राब है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं सब। पाकिस्तान तो विचित्र है, चीन तो विशिष्ट है। इसका मतलब बर्मा की को लेकर भी भारत की नीति अस्त व्यस्त है। पड़ोसी राष्ट्रों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास भारत करे। संगम के तट पर रहकर मैं थोड़ा संकेत करता हूँ, निंदा नहीं करता। मैंने नेपाल में बिल्कुल मुँह नहीं खोला। नेपाल में अगर भारत की नीति की समीक्षा करता तो कुछ और ही अर्थ उसका होता है। भारत में आकर मैं संकेत कर रहा हूँ। गृहमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दें, समीक्षा होनी चाहिए ना, कि हमारी जो नीति है वो नीति पड़ोसियों को भी अनुकूल बनाने में समर्थ है या नहीं। अगर पड़ोसियों को भी अनुकूल नहीं बना सकते, और जिस देश में विश्व में 204 देश हैं जी, अगर भारत भारत के रूप में अपने आप को ख्यापित करने का मनोबल प्राप्त करे, तो एक साल की सीमा में, आज का प्रवचन हमने यहीं से प्रारंभ किया था, मॉरिशस आदि 15 देश विश्व में ऐसे हैं जो तो हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो जाए। भारत की यह दुर्बलता है, हमने 52 देशों के 204 प्रतिनिधियों को ये यांत्रिक विधा से सुना है। 52 देश की संगोष्ठी हमने की पुरी में रहकर, 204 प्रतिनिधियों को हमने सुना। विश्व में 204 देश हैं, 204 प्रतिनिधियों को हमने सुना, 52 देश के व्यक्ति सम्मिलित हुए। भारत को लेकर पूरे विदेश में असंतोष है। अगर भारत भारत के रूप में अपने आप को ख्यापित करे, हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत, आर्यावर्त के रूप में भारत स्वयं को ख्यापित करे, तो एक साल की सीमा में मॉरिशस आदि 15 देश हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हों। रहीम रस खान जैसे जो व्यक्ति हैं सबको अभयदान है, लेकिन भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।